हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक दल्ला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल होस्ट शशांक। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज पीआईपी फोटो एडिटर ऐप, और पीआईपी ऐप जो है इसको कैसे यूज करना है। बेसिकली ये फोटो एडिटर है जिसमें फोटो फ्रेम ऐप है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे आते जा रहे हैं आप देख रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग फ्रेम्स के अंदर में आपको जो है, अरे ये सीडी कहाँ से आ गई भाई। हाँ, तो इस तरह से ऐप आपको यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, इस तरह की फ़ोटोज़ आप कैसे क्लिक कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं ये भी बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। दोस्तों इस ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, जाने के बाद टाइप करना पी आई पी कैमरा। आपको यहाँ पे पी आई पी कैमरा फोटो एडिटर प्रो नाम से ये ऐप देखने को मिलेगा। इसको कर लेना है आपको डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रंट में ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और ऑप्शन होंगे कुछ इस प्रकार से, जिसमें आपको क्लासिक, पेंट लैब, कोलाज हो गया, फोटो एडिट हो गया, लाइब्रेरी हो गया और पेंट लैब, ये सारे छः ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहले मैं, जब आपने देखा होगा मेरे वीडियो में जो आपको मोड दिख रहे थे, जो अभी आप देख सकते हैं, इस तरह की फ़ोटोज़ अगर आपको खींचना हो तो ये अलग अलग नीचे फिल्टर्स दिए हुए हैं, इनको आप जो है एक एक करके क्लिक करिए, जो आपको सही लग रहा है उसके साथ में आपको बस सिंपली एक क्लिक करना है फ़ोटो पर, और आपका फ़ोटो जो है क्लिक हो जाएगा। क्लिक होने के बाद में वो फ़ोटो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है आप इसको फ़ोटो फिर भी चेंज कर सकते हैं, फ्रेम अगर आप चाहें बाद में, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप उसको फिर भी चेंज कर सकते हैं, और वही रखना चाहें तो वही भी रख सकते हैं। करने के बाद में आपको जो है यहाँ पे फोरग्राउंड का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपका जो, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में भी अगर आप कुछ फ़िल्टर्स यूज़ करना चाहते हैं, जो बैकग्राउंड की फ़ोटो है उसको अगर कुछ फ़िल्टर्स डालना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं अलग अलग फ़िल्टर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और अलग अलग पीछे बैकग्राउंड जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो आपको जो सही लग रहा है उसको साथ में छोड़ दीजिए, और करने के बाद ऊपर साइड में बटन बनी सेव का, इस पर क्लिक कर दीजिए सेव पे, तो आपकी गैलरी में जाके वो फ़ोटो जो है सेव हो जाएगी। और वापस आप जो है अगर होम में आते हैं तो आपको अब दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है वो है पेंट लैब का, और पेंट लैब के आप में अंदर अगर जाएंगे और आप इसमें अपना कैमरा यूज़ करते हैं, तो आपको इसके अंदर में जो है ब्राइटनेस काफ़ी आपको अच्छी मिलेगी देखने में। कैमरा जो है इसका, ये खुद का कैमरा है, और बस आपको यहाँ पे एक क्लिक कर देना है और आपकी फ़ोटो जो है क्लिक हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद में फिर से आप उसमें जो है अलग अलग फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, और ये फ़िल्टर्स थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं, और कुछ फ़िल्टर्स आपके जल्दी भी यहाँ पर प्रोसेस कर देते हैं, और अगर आपको बेकार लगे तो आप उसको जो है ज़्यादा, अगर इसको कम करना चाहते हैं इसके इफ़ेक्ट को, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर राइट या लेफ़्ट साइड आपको स्वाइप करना है। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इस साइड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड तो कम हो जाएगा, और चेंज करना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग आपका जो है, और अलग अलग भी यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, उन इफ़ेक्ट पर क्लिक करिए। और आपकी अगर फ़ोटो आपको सही लग रही है कि भाई ठीक है फ़ोटो, मतलब कोई भी देखेगा तो अच्छी लगेगी, वैसे फुल इफेक्ट पे तो फ़ोटो कोई भी अच्छी नहीं लगती है, आपको अगर थोड़ा इफेक्ट आप उसका कम करते हैं तो फ़ोटो थोड़ी अच्छी लगती है। ये देख सकते हैं, मतलब एकदम ही अनओरिजिनल लगने लगती है फ़ोटो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इफेक्ट को कम करिए, करने के बाद सेव करिए तो वो काफ़ी डिसेंट फ़ोटो लगेगी। और सेव कर देने के बाद में जो है बैक चले आते हैं हम, इस तरह से ही इस ऑप्शन को आपको यूज़ करना है। करने के बाद यहाँ कोलेज का ऑप्शन दिया हुआ है, कोलाज का, हालांकि सभी को ऑप्शन का मतलब मालूम है कि क्या होता है, जब आप 3-4 फ़ोटोज़ को एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे, हम यहाँ पे 3 फ़ोटोज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, कोई भी फ्रेंड्स की हो साथ में हो, ग्रुप वाली फ़ोटोज़ हैं उनको आप याद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उन पर क्लिक कर दीजिए, और करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद नीचे बहुत सारे आपको फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, ये फ्रेम्स अलग अलग हैं, इन पर आप क्लिक करिए, फ़ोटो को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और फ्रेम्स अपने आप यहाँ पे सेट हो रहे हैं, इनको कम ज़्यादा करना है या अलग अलग चेंजेस करना, काफ़ी अच्छे, मतलब ये मुझे ये इसका ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा, इसके साथ आप जो है ये कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो है सेव हो जाएगी, उसी कोलाज आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम फिर होम में चले आते हैं, और जाने के बाद में यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन है,
इसके पहले फोटो एडिट का ऑप्शन है, फोटो एडिट पे आप क्लिक करिए। करने के बाद में आपका जो है ओपन हो जाएगी स्क्रीन, और यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। काफ़ी ब्राइट है इसका कैमरा, और अगर आप फिल्टर चेंज करना चाहते हैं तो आपको स्वाइप करना है, अलग अलग फिल्टर आपके आते जाएंगे, जो फिल्टर आपको सही लगे उस पर आप क्लिक करिए। और अगर आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है आपको, या मोड ज़्यादा आपको लग रहा है, तो उसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। करने के बाद में फ़ोटो पर क्लिक कर दीजिए, और फोटो हमारी क्लिक हो जाने के बाद में आपको फिर से नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फिल्टर्स के, स्टिकर्स के, टेक्स्ट के। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, अगर कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टिकर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप स्टिकर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नए नए स्टिकर, हॉट, डेकोरेशन, इमोशन, वर्थ, लोकल, और जैसे जैसे खिसकाते जाएंगे तो आपको और नए नए स्टिकर्स मिलते जाएंगे। तो उन स्टिकर्स को भी आप डाउनलोड करके जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग स्टिकर्स यहाँ पे फनी हैं, फंकी हैं, सब टाइप के स्टिकर्स आप जोड़ना चाहें तो वो स्टिकर्स पे बस आपको एक क्लिक कर देना है, और करने के बाद में उस स्टिकर को आप उसमें जो है लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, स्टिकर आपका वहाँ फिट हो जाएगा। और दूसरे स्टिकर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग फेसेस, क्यूट फेस, फीलिंग वगैरह वगैरह, आप जो है अलग अलग स्टिकर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फीलिंग्स वाला स्टिकर्स आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको बस क्लिक करिए और वो स्टिकर आपका वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। उसको जहाँ भी सेट करना है अपने हाथ से ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए, घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं, हटाना चाहें तो क्रॉस वाला बटन उस पर क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, स्टिकर आपका ऐड करना है, और करने के बाद में जो है बाहर आ जाना है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कैंसल, तो आपको जो है स्टिकर अप्लाई करना है तो आप सेव कर दीजिएगा ऊपर, और अगर स्टिकर अप्लाई नहीं करना है तो आप उससे बाहर भी आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ फिल्टर का भी ऑप्शन बना हुआ है, जहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फिल्टर्स आप देख सकते हैं, जो फिल्टर आपको सही लग रहा हो उसको बस आपको एक क्लिक करना है, वो फिल्टर वहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। जो भी फिल्टर सही लगा उसको रखिए, अदरवाइज जो है वापस आ जाइए। एडिट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपकी अलग अलग चीज़ें, ब्राइटनेस हो गया, शार्पनेस हो गया, वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, 3x4 में करना चाहते हैं, और अलग अलग करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, और अगर आप घुमाना चाहते हैं फ़ोटो को तो ये लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, सीधा रखना चाहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्रॉप करने का ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अपने हिसाब से अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपको सेव पे क्लिक करना है और सारे आपके जो इफ़ेक्ट हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। मोसिक का आपका जो है लास्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको अलग अलग इफ़ेक्ट हैं जो आप यहाँ पे करना चाहें उनको अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये कुछ काम को मुझे समझ नहीं आया, अगर आपको लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में आपके ऑप्शन जो मैं कह रहा था, ब्राइटनेस और शार्पनेस और वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट आप कम ज़्यादा करना चाहें वो आप कर सकते हैं, सेचुरेशन अगर कम ज़्यादा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। वो सारा कुछ करने के बाद में सेव पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट फोटो है इसलिए इतनी अच्छी नहीं लग रही है, यही अगर आप किसी गैलरी से फोटो उठा के उसको एडिट करते हैं तो काफ़ी अच्छा एडिट होता है। तो हम इसको एक बार अंधेरे से क्लिक करते हैं, और अब इस फोटो में अगर आप इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपके जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। देख सकते हैं आप फिल्टर्स भी जो हैं यहाँ पे, जो भी आप अप्लाई करना चाहें उसके ऊपर में अप्लाई करिए, और करने के बाद में आपको बस लास्ट में जो है सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं सेव हो जाएंगी, स्टिकर हो चाहे कुछ हो, जो आपको लगाना है लगा दीजिए, सेव पे क्लिक करते जाइए, और लास्ट में आपको फाइनली सेव पे कर देना है क्लिक, आपकी फ़ोटो जाके गैलरी में सेव हो जाएगी। हम बाहर आ जाते हैं दोस्तों, इसके बाद में आपका फ़ोटो एडिट के बाद में लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है। लाइब्रेरी के ऑप्शन में आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से अलग अलग इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में ये फ्रेम है जिनके अंदर में आपकी फ़ोटोज़ क्लिक होंगी, तो जो भी फ्रेम आप चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए,
और उस फ्रेम के अंदर में आप जो है फोटो को क्लिक कर पाएंगे। यहाँ से डाउनलोड होने के बाद में वो फ्रेम आपके पहले वाले ऑप्शन में देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आपका पेंट लैब का एक ऑप्शन है, जिसमें आपके एक अलग ऐप इन्होंने बताया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा और उसको उससे आप जो है इस तरह की फ़ोटो एडिट कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने ऐप समझ लिया हो कैसे इसको यूज़ करना है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन परेशानी हो तो हमारी वीडियो को नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वनी रे टेक वाला में स्टे रहो।